हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। सो स्टूडेंट्स, गेट का एग्जामिनेशन हो चुका है, एक्सेल, बीटी, ईवाई तीनों का ही, और अब है समय रिजल्ट का। सो बेसिकली गेट 2024 के लिए आंसर की कब आ सकती है, क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और क्या और इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकती है आपके इस एग्जामिनेशन की। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो आंसर की आने की एक एक्सपेक्टेड डेट हम लगा सकते हैं, दैट कुड बी 21 to 22 फरवरी, 21 या 22 फरवरी के आसपास में आपके आंसर की रिलीज हो सकती है। लास्ट ईयर भी गेट का एग्जामिनेशन 11th ऑफ फेब को हुआ था, इस बार वो 10 तारीख को हुआ है, एंड लास्ट ईयर भी 21 तारीख को एग्जामिनेशन की आंसर की रिलीज हो गई थी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 21 से 22 फरवरी के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड डेट है फॉर द आंसर की। देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो इस साल जो पेपर आया है वो काफी आपने देखा होगा, इट वॉज ईजी टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखें तो मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं, पर काफी सारे क्वेश्चंस ईजी टू मॉडरेट थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस काफी पूछे गए। सो बेसिकली कट ऑफ में बेसिकली आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, 3 से 4 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है इस साल आपके गेट के एग्जामिनेशन में। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम जनरल की बात करें, गेट एक्सेल के लिए बता रहा हूं मैं, गेट एक्सेल के लिए जनरल की 45 अराउंड, ओबीसी 40 अराउंड, एंड देन एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन के लिए 30 कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर गेट एक्सेल स्टूडेंट, वाइल गेट बीटी स्टूडेंट्स जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 30 एंड एससी एसटी के लिए 20 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ को। ये पेपर जो इजी टू मॉडरेट लेवल आया ये बेसिकली गेट एक्सेल के लिए भी है और गेट बीटी के लिए है। हमने देखा कि दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो कट ऑफ में हम लोग 3 से 4 नंबर का इंक्रीज मान सकते हैं। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है अभी जो आने वाला आपके जो रिजल्ट है या फिर आपके बेसिकली रिस्पॉन्स शीट है, तो रिस्पॉन्स शीट आपकी 15 to 16 फेब के आसपास में आ सकती है। सो एग्जैक्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, क्योंकि पिछले साल भी इसी डेट को एग्जामिनेशन हुआ था, 15-16 के आसपास 15th को रिस्पॉन्स शीट आई थी, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 15 नहीं तो 16 तक हमारी रिस्पॉन्स शीट आ सकती है। और रिस्पॉन्स शीट आने के बाद में आपके जो है आंसर की आती है, और आंसर की के बाद में आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है, तो करेक्शन विंडो अराउंड 22 से लेकर के 25 के आसपास तक आपका करेक्शन विंडो रह सकता है। सो दीज आर दी एक्सपेक्टेड डेट्स विच वी कैन एक्सपेक्ट बेसिकली फ्रॉम लास्ट ईयर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, आई होप आपका जो रिजल्ट आए वो काफी अच्छा रहेगा, आपने इतनी मेहनत की है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई और क्वेरीज है तो बेसिकली आप कमेंट बॉक्स में रखिए, वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।